प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको 27 नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामी ग्रह बताने वाला हूँ। साथ ही यह भी बताने वाला हूँ कि किस राशि में कितने नक्षत्र आते हैं और कितने उसके चरण आते हैं। इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही आज का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको भविष्य के लिए भी नक्षत्र भी याद हो जाएंगे और साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ आ जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे जीवन पर नक्षत्रों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि नक्षत्र ही एक तरह से हमारे जीवन को चलाते हैं। नक्षत्र ही यह बताते हैं कि हमारा नाम किस अक्षर से रखा जाएगा। जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है उसमें चार चरण होते हैं। आप जानते हैं कि एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में अलग अलग अक्षर होते हैं, उसके नाम होते हैं, उसके अनुसार एक बालक का नाम रखा जाता है। और आप जानते हैं कि जो 27 नक्षत्र कुल होते हैं उसमें चार का अगर गुणा कर दे, जो चार चरण सभी में पाए जाते हैं, तो उससे 108 का अंक बनता है। यही कारण है कि आपको कोई भी बीज मंत्र कहा जाता है तो वह 108 बार करने को कहा जाता है। कोई भी मंत्र आदि आप करते हैं तो वह भी आप 108 बार करते हैं, क्योंकि जब 27 नक्षत्रों में चार चरण पर आप एक एक बार उस मंत्र को बोलेंगे तो उस मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखेगा। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के प्रत्येक भाव में एक एक नक्षत्र तो बना ही है, उसका आपको प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपका जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। यही कारण है कि 108 बार जाप करने को आपको कोई भी मंत्र कहा जाता है। अब मैं आपको आज की वीडियो में सर्वप्रथम बताता हूँ कि 27 नक्षत्रों के क्या क्रम से नाम आते हैं। आइए आपको बताता हूँ। आप सर्वप्रथम देखिए कि जो पहला नक्षत्र आता है उसका नाम है अश्विनी, दूसरे का नाम भरणी, फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। यह एक क्रम हुआ। दूसरे में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। फिर मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यह कुल 27 नक्षत्र है। अब यह 27 नक्षत्र के 9 स्वामी होते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि केतु के सामने 3 नक्षत्र लिखे हैं, अर्थात अश्विनी नक्षत्र, मगा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हुए। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यह शुक्र के अधीन आते हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा इसके स्वामी सूर्य है। रोहिणी, हस्त और श्रवण यह चंद्रमा के नक्षत्र है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा यह मंगल के नक्षत्र है। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा यह राहु के नक्षत्र है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद यह गुरु के नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यह शनि के नक्षत्र है। और अंत में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती यह बुध के नक्षत्र है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र प्राप्त है और प्रत्येक राशि में आप जानते हैं कि 2.25 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि जब नक्षत्रों को बांटा जाता है तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ पाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुल 12 राशियों के अंक लिखे हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 12 तक की राशियाँ होती है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है राशियाँ। जैसे आप जानते हैं एक का स्वामी, मतलब एक का अर्थ होता है मेष राशि, दो का अर्थ वृषभ राशि, इसी प्रकार चलता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी इतना तो जानते ही हैं। अब आप जैसे जानते हैं कि एक के स्वामी मंगल होते हैं, यह भी वैसे आज का विषय नहीं है, आज तो आपको सिर्फ नक्षत्र बताना है। मेष राशि में आप जानते हैं 2.25 नक्षत्र आते हैं। अब 2.25 नक्षत्र में कुल 9 चरण होते हैं, अर्थात कुल 9 चरण एक राशि में आते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि मेष राशि में 9 चरण है, तो जब 9 चरण है तो उसमें जो पहला नक्षत्र का प्रारंभ होता है वो केतु के नक्षत्र होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि जो मेष राशि है उसमें जो पहला नक्षत्र होगा वह केतु का नक्षत्र होगा, दूसरा शुक्र का और तीसरा आएगा सूर्य का, और सूर्य का यहाँ पर केवल एक ही चरण आ पाएगा। जो पहला नक्षत्र है सूर्य का कृतिका, उसका पहला चरण ही आ पाएगा। उसके आगे जो 3 चरण बचे हैं वह अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जो वृषभ राशि है उसमें सूर्य के पहले 3 चरण आएंगे, फिर चंद्रमा के 4 चरण आएंगे और फिर मंगल के 2 चरण आएंगे, और फिर मंगल का यहाँ पर जो आएगा वो मृगशिरा नक्षत्र आएगा,
और उसके दो चरण यहाँ पर हो जाएंगे और जो दो चरण बच गए हैं वह अगली राशि में चले जाएंगे और वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में पहले दो चरण मंगल के मृगशिरा नक्षत्र के, उसके बाद राहु के चार चरण और गुरु के तीन चरण, तो गुरु के यहाँ पर अंत में पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, उसके तीन चरण यहीं पर आ जाएंगे और जो एक चरण बच गया है पुनर्वसु का वह यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक चरण, उसके बाद शनि के चार चरण और बुध का जो अश्लेषा नक्षत्र आएगा उसके चार चरण भी यहीं पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर एक जो क्रम है वह पूर्ण हो जाएगा, यहाँ तक आते आते नौ चरण, माफ़ कीजिएगा, नौ नक्षत्र पूर्ण हो जाएंगे। जैसे सवा दो, फिर सवा दो और फिर सवा दो, ऐसे कुल देखेंगे तो यहाँ पर नौ नक्षत्र जो है वह पूर्ण हो जाएंगे। अब यही क्रम आपको आगे भी दोहराना है, अर्थात जब आप बात करेंगे सिंह राशि की तो उसमें भी जो पहला नक्षत्र होगा वह केतु का ही होगा, पहला नक्षत्र केतु का अर्थात केतु के चारों चरण, फिर शुक्र के चार चरण और सूर्य का पहला यहाँ पर एक चरण आएगा। इसी प्रकार अगले जो सूर्य के तीन चरण बचे हैं वह यहाँ चले जाएंगे। सूर्य का जो अगला नक्षत्र यहाँ पर है वह आप देख लीजिए यहाँ से कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, तो उत्तरा फाल्गुनी के यहाँ पर तीन चरण आएंगे, फिर चंद्रमा का जो हस्त नक्षत्र है उसके चार चरण और मंगल के जो चित्रा नक्षत्र है उसके दो चरण आएंगे और जो चित्रा के दो नक्षत्र बचेंगे वह यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार यह चलता रहता है और यहाँ अंत में जो बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा वह यहाँ पर चार चरण यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार यह भी जो 18 कुल नक्षत्र यहाँ पर हो जाएंगे, 9 इधर और 9 इधर, फिर आगे फिर इसी तरह से। अर्थात यहाँ पर अगर धनु राशि की बात करेंगे तो उसमें पहला नक्षत्र केतु का आएगा, फिर शुक्र का आएगा, फिर सूर्य का आएगा। इसे आप देख लीजिए कि पहला जो आता है उसमें चार नक्षत्र पूरे होते हैं, फिर सूर्य के यहाँ पर तीन, फिर मंगल के बचते हैं दो और फिर एक, चार तीन दो एक, और बीच में जो ग्रह है इन्हें आप ध्यान रख लीजिए कि अगर बात करेंगे आप शुक्र की, चंद्रमा की, राहु की और शनि की, तो ये चार ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों नक्षत्र एक ही राशि में आते हैं। इसके अलावा जो सूर्य है, मंगल है, गुरु है और बुध है, इनके नक्षत्र, बुध के भी चारों नक्षत्र एक ही राशि में आते हैं, परंतु सूर्य, मंगल और गुरु ये तीन ऐसे ग्रह है जिनके नक्षत्र अलग अलग राशियों में आते हैं या एक से अधिक राशियों में उनके नक्षत्र आधे बढ़ जाते हैं। जैसे सूर्य की बात करते हम तो यहाँ पर अगर धनु राशि में देखें तो सूर्य का जो अंतिम चरण, अंतिम नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, उसका एक ही चरण आ पाएगा और बचा हुआ जो तीन चरण है वह मकर राशि में चले जाएंगे। इसी प्रकार आपको समझना है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र कहाँ तक आता है। और मंगल की अगर बात करें तो मंगल के दो नक्षत्र यहाँ वृषभ, मित, कन्या और मकर राशि में रह जाते हैं और बचे हुए दो नक्षत्र वह यहाँ आ जाते हैं, वह राशि है मिथुन, तुला और कुंभ, यहाँ आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए, यह राशि आप जानते हैं कि यह जो एक, पाँच और नौ का क्रम है यह राशियाँ होती है अग्नि तत्वीय राशियाँ, दो, छः और दस का जो क्रम है यह भूमि या पृथ्वी तत्वीय राशियाँ है, और ये तीन, सात और ग्यारह यह जो क्रम है यह वायु तत्वीय राशियाँ है, और चार, आठ, बारह यह जो है यह जल तत्वीय राशियाँ है। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए कि किस तत्व में कौन सी राशियाँ आ रही है, इससे आपको आसानी भी रहेगी पूरी 12 राशियों में कौन से नक्षत्र आते हैं, कहाँ पर आते हैं, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ आपके पास नक्षत्र लिखे ही है और यहाँ पर आपके पास चार्ट है ही, कि अगर ऊपर की बात करेंगे तो यह तीन क्रम आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास खींच के रख लीजिए ताकि आपको भविष्य में जानकारी के लिए आसान रहे कि यहाँ पर अगर अग्नि तत्वीय राशि आई तो उसमें यही क्रम चलेगा, केतु का, फिर शुक्र का और फिर सूर्य का, और उसी प्रकार इसी में याला क्रम चलेगा सूर्य, चंद्र और मंगल, उसके भी तीन, चार या दो जो क्रम लिखा है ये नक्षत्रों का क्रम है। आप आसानी से समझ ही गए होंगे, अगर कोई भी प्रश्न रह जाता है तो घबराए नहीं, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, ऐसी ही रोचक वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, आगे आने वाली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का भी उत्तर भी दे दिया जाएगा और जहां पर कमी रहेगी उसे ठीक कर आपको पुनः बताने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही यह वीडियो अन्य लोगों के लिए भी ज्ञानवर्धक हो सकती है तो इसे शेयर भी करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।